भारी बारिश का कहर केरल में कल से देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन के चलते काफी संख्या में लोगों की जान भी जा चुकी है। लोगों को बचाने के लिए सेनाएं लगी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घर देखते ही देखते भारी बारिश के बहाव में डूब रहे हैं। कोटायाम के मुंडाकायम में भारी बारिश के बाद नदी की तेज पानी की धाराओं में एक घर बह भी चुका है। नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया है। वहीं राजधानी दिल्ली NCR में भी रविवार से अचानक मौसम में बदलाव आया है। कल रात से ही हो रही बारिश ने लोगों के सामान्य जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जगह जगह पानी भी भर गया है। मौसम के ताज़ा अपडेट की बात करें तो हरियाणा के होडल, औरंगाबाद, पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में हल्की बारिश जारी रहेगी। वहीं यूपी के बुलंदशहर, गुलौटी में मध्यम तीव्रता के साथ बारिश होगी। वहीं उत्तराखंड में आज बारिश के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। रात भर दिल्ली NCR में हुई बारिश के चलते सेक्टर 39 स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय परिसर में जल भराव हो गया है। इसके अलावा दिल्ली के गाजीपुर फल और सब्जी थोक बाजार में जल भराव देखने को मिला। वहीं उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश हुई है। IMD ने आज भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर बद्रीनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।